भाइयों नमस्कार, आपका मैं YouTube चैनल लव किसान में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, ये काउंटर आत्मनिर्भर महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम पसगवा जिला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश गन्ना विकास परिषद शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। भाइयों यहाँ पर ये देखिए नर्सरी द्वारा बीज किया गया है। ट्रेंच में अगर होते हैं तो आपको लगभग 3 फुट पे तो 1500 से 1600 या 10000 एक बीघा में नहीं 6 बीघे एक है। अरे भैया नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि आपने ये नर्सरी किस विधि से तैयार की? ये हमारा इसको ये सीडलिंग्स जो हमने तैयार किए हैं, पहले मैं बता दूँ हमारा एक ग्रुप है, ये आत्मनिर्भर महिला स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, उसके अंडर हमारी ये सब तैयार होती है यहाँ पे जी। तो ये हम लोग किसानों के लिए फॉर्मेट लेके आए कि किस तरह से हम लोगों को करना चाहिए जी, फार्मिंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ बताते हैं। जैसे हम लोग होता क्या है, हम लोग खेत में डायरेक्ट गन्ना लगा देते हैं तो उसमें मिसिंग बहुत हो जाती है जी, हाँ, गन्ना ख़राब होता है और जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं मिलता है जी। तो उसके अगर उसकी जगह पर आप पौध तैयार करके लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए टैगिंग की हुई है सारी वेराइटीज़ की यहाँ पे, थोड़ा सा पीछे हट जाइए बाबा, थोड़ा सा ये टैगिंग की हुई है, तो ये वेराइटीज़ हैं। इस तरह से हम ये सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए यहाँ किसानों को है जी, ये देख के इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये पौधा हम तैयार जो करते हैं, पहले तो बट कटर से, ये बट कटर हमारा है यहाँ पर जी, ये बट कटर, ये भाइयों बट कटर है, इससे एक आर निकल रहा है जी, यहाँ पे गन्ना रखने के बाद और ऐसे कट के करेंगे तो एक बट आपकी ये निकल के आएगी, इस तरह से एक बट निकल के आ जाएगी जी, ठीक है जी। इस बट को हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे पहले इसका, ठीक है, ट्रीटमेंट कर लेंगे, जो भी पर्टिकुलर दवाएं हैं उनसे ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद हम इसको गोबर खाद ले लें, कोकोपीट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। गोबर खाद ले लें, एक हिस्सा गोबर खाद, एक हिस्सा मिट्टी का और एक हिस्सा आप जो आपकी चीनी मिल्स के जो बदास निकलती है, अच्छा, उसको ले लें और थोड़ा सा छान लें, अच्छा, जिससे वो आसानी से मिक्स हो जाएगी उसमें। हाँ, हाँ। मिक्स करके उसमें ट्रे में लगा दें, हाँ। वो डाल दें, ऊपर से गांठ लगा दें, अपनी बड रख दें और उसको लगा दें, ये सीडलिंग्स तैयार हो जाते हैं जी। इस तरह से ये सीडलिंग्स तैयार हो जाते हैं, ये 10 से 15 दिन के बीच पौधा बाहर आ जाता है। अच्छा जी, 10 से 15 दिन के अंदर पौधा बाहर आ जाता है, उसमें आपको पता भी चलता रहता है कि हमारे पौधे का स्टेटस क्या है। और दवाई वगैरह में कुछ मैंने बताया ना, जो दवाई लगाते हैं हम लोग, जो ट्रीटमेंट देते हैं जी, इसमें हम लोग सिंपल सा ट्रीटमेंट देते हैं, ज्यादा कुछ आप क्लोरोसाइपर ले लेते हैं और एमिडा क्लोरोपिट ले, ठीक है, इसका घोल बना देते हैं, कोई सा भी एक फंगिसाइड हो वो आप कोई भी ले सकते हैं, हेक्सा ले सकते हैं, हेक्सा स्टाफ डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, सांप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, फंगिसाइड भी ले सकते हैं, इसमें डाल देंगे, बस ट्रीटमेंट करें। बाद में हम लोग इस पर एक स्प्रेयर से स्प्रे भी करते रहते हैं बीच बीच में, नमी के साथ नमी बनाए, नमी बनाने के लिए स्प्रे भी देते हैं, नमी की कमी नहीं होना चाहिए, स्प्रेयर से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रे तैयार हो जाती है, सीडलिंग तैयार हो जाते हैं जो हम लोग किसानों को लिए देते हैं जी। कितने दिन में तैयार हो जाता है ये? 10 से 15 दिन में पौधा बाहर आता है, और ये बीज, ये पौधे आपको 20 दिन के दिख रहे हैं जी। अच्छा भाइयों, ये पौधे 20 दिन के हैं जी, 20 दिन के ये पौधे हैं, एक आध पौधा इसमें जैसे ये इसको लगभग 22-24 किलो हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मेट हमने किसानों के लिए जो दिया, जो सहफसली का आजकल चल रहा है, इंटर क्रॉप के लिए ये चला है, इसमें एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बनाने के लिए कोशिश की है, ये बीच में लहसुन है, ठीक है, और ये गन्ना हो जाता है और इधर भी गन्ना हो जाता है। ये भाइयों देखिए, ये लाइन जो है ये गन्ने की है जी, ये गन्ना है, ये लहसुन की है और ये फिर गन्ना है। आप इसमें ट्रेंच विधि से जो किसान बोते हैं, जैसे लाइन टू लाइन आपने 4 फुट की सोइंग की है, ठीक है, इस सोइंग में आपका बीच का गैप खाली हो जाता है, इसमें डबल पैदावार के लिए जो किसानों को होना चाहिए, तो आप बीच में कुछ भी सहफसली ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, दलहन में जा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, गोभी, कुछ भी आप जो मतलब उस समय के लिए चल रहा होगा वो चीज आप इसमें लगा के एक्स्ट्रा आप पैदावार बना कर सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये नर्सरी तैयार हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि जब नर्सरी लगाओ तो ये पत्ता काट देना चाहिए ऊपर से? नहीं, हम लोग पत्ता नहीं काटते, शुरू में हम लोग पत्ता काटते थे कि नहीं उसका प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा सही, लेकिन नहीं, हम लोग पत्ता काटते हैं तो पत्ते के बाद जो नर्सरी का जो पौधा है उसको डबल मेहनत करना पड़ती है, ऐसा नहीं चाहिए, हम ऐसे ही लगाएंगे, ये बीच का जो मदर शूट इसका चल रहा है, ठीक है, ये यहीं से आपको दूसरा नई किल्ली स्टार्ट। तो जैसे कोई आपसे बीज लेना चाहे समूह से तो कैसे बीज लेना है? हमारे समूह, हमारा समूह यहाँ पे ग्राम पसगवा पड़ता है शाहजहाँपुर के अंदर, वहाँ पे हमारा ये सारा पूरा एक नर्सरी है, वहाँ पे हमारी वहीं पे फार्मिंग होती है, वहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, पसगवा फार्म में शाहिद फार्म्स के नाम से हमारा है, पसगवा विलेज लगता है।
आप वहाँ आ सकते हैं। जो भी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या गन्ना शोध परिषद की तरफ से जो रेट निर्धारित किए गए हैं, जैसे ये पौधा हमारा 2.5 रुपए का है, अच्छा 1500 कोलक 1501 है जी, और ये अपनी हो जाती है 1523 हो जाएगी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी 1421 हो जाएगी वेरायटी, ये आपकी 16231 हो जाएगी, सॉरी 13231 हो जाएगी, ये 1335 जो अगली वेरायटी अभी लेटेस्ट आई है ये सारी यहाँ पे है। इसके अलावा और भी कई सारी वेरायटीज है, लगभग 18-20 वेरायटीज होती है हमारे पास, और जो ये नई लॉन्च हो रही है वो भी धीरे धीरे ये भी हमारे पास अक्टूबर में आपको मिल जाए। ठीक है, अक्टूबर में इनके ट्रे सीडलिंग्स ले सकते हैं, पौधा गन्ना ले सकते हैं या बड ले सकते, जैसे ट्रांसपोर्ट सुविधा भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी आपको चाहिए होम डिलीवरी आपको मिलेगी। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, मैं अपना कॉन्टैक्ट, मेरा नाम सरताज खान है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410222522। भाइयों दिन में कॉल करें इन्हें, रात में परेशान ना करें, नहीं 24 आवर्स हमें कॉल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, रात के 2 बजे भी कॉल करेंगे हमारा फोन पिक होगा, अच्छा 24/7 आपको जो है सर्विस मिलेगी हमारे यहाँ पे। ये नहीं है कि किसान वैसे ही परेशान रहता है, उसको रात में ही समय मिलता है, दिन में समय नहीं मिलता, दिन में किसान के पास मोबाइल होता ही नहीं है, अपने फोन पे होगा, खेत पे होगा, कहीं पे नहीं होगा, रात में ही सुकून से बैठ के वो कॉल कर सकता है या अर्ली मॉर्निंग करेगा 3-4 बजे, कोई समस्या नहीं, किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। भाइयों, भैया ने बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद।